नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा। बहुत बार मुझसे एक सवाल हमारे क्लाइंट्स करते हैं कि जो साल दर साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, इनवॉइसेस बनाए जा रहे हैं, इनके बंडल ऑफ बंडल्स इकट्ठे हो जाए, इनका करना क्या है इनका? तो आइए जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने को लेके लॉ में क्या प्रोविजंस हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल 6F के अनुसार, सब रूल 5 के अनुसार आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम से कम 7 सालों तक संभाल के रखने हैं, यानी कि 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, इसके सभी वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 31 मार्च 2028 तक संभाल के रखने हैं। और इसी प्रकार 31 मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 31 मार्च 2029 तक संभाल के रखने हैं। अब एक दूसरे कानून की चर्चा करते हैं, कंपनीज एक्ट में इस विषय पे क्या कहा गया है। सो कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 इस बारे में कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट्स सब संभाल के रखने हैं कम से कम 8 सालों के लिए। अब इन दोनों कानूनों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी कंपनी को, यदि आप एक कंपनी हैं, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 सालों तक संभाल के रखने हैं, यानी कि 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हम इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों को हार्मोनियस करके पढ़ें, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या एक पर्पोसिव कंस्ट्रक्शन निकालें, तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च 2029 तक तो संभाल के रखने ही होंगे, इन दोनों कानूनों का सम्मान करते हुए। तो मैं समझता हूं अभी इसके बाद 31 मार्च 2029 के बाद आप इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर को इनके ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन तब तक इसे जरूर संभाल के रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।